ट्रक में बाहर है जस्ट अभी। देखो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, वो हवा महल है, देखो दिख रहा है हवा महल है वो। तो अभी तो टाइम नहीं देखने का मेरे को, मैं सेंटर पहुंचना है, पेपर है ना, तो अभी हवा महल तो नहीं देख सकते पहले, वैसे मैं देख चुका हूँ। चलो अभी अभी बस ले रहे हैं, यहाँ से बस लेंगे और फिर पहुँच रहे हैं सेंटर। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज ना 18 मार्च 2023 और आज सैटरडे का दिन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप में से बहुत लोग जानते होंगे अभी ना DRDO के एग्जाम चले हुए हैं। DRDO यानी अगर मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताऊँ तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ना वो दिल्ली में है। और मतलब ये जो जैसे अपना मिसाइल वगैरह नहीं होती, जो मिसाइल जैसे होती हैं वो वगैरह, वो मतलब ऐसे वेपन वगैरह जो है वो बनाती है ये जो हमारी संस्था है DRDO, इसके एग्ज़ाम जो है ना अभी चले हुए हैं। तो मतलब इसमें ना वैकेंसी निकली थी लगभग मेरे ख्याल 2022 के एंडिंग में निकली थी शायद वैकेंसी जिसमें, ठीक है। तो उसमें मैंने ना एक पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके उसके ऊपर मैंने अप्लाई करा था। तो अभी उसके एडमिट कार्ड जो है ना अभी आए हुए हैं और अभी एग्ज़ाम भी जो ना चल रहे हैं, आप में से बहुत लोग दे के भी आए होंगे। तो कल यानी 19 मार्च को मेरा भी एग्ज़ाम है और सेंटर में अगर आपको बताऊँ तो मेरा है जयपुर, जयपुर यानी कि राजस्थान, हमारी राजस्थान की राजधानी रहेगी जयपुर, वहाँ पे। तो ठीक है, तो अभी मैं ना पहुँच चुका हूँ, फ़िलहाल मैं अभी मैं हूँ सोनीपत जो जंक्शन है ना रेलवे स्टेशन सोनीपत का, मैं अभी वहाँ पे हूँ, ठीक है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेन का, हमारी ट्रेन जो अभी ना फिलहाल लगभग टाइम हुआ है मेरे ख्याल अभी टाइम जो है ना वो 8:55 हो चुके हैं लगभग, ठीक है, यानी 9 बजने वाले हैं। तो ठीक है, मेरी ट्रेन जो है ना वो आएगी लगभग 9:30 बजे के आसपास आने वाली है यहाँ पे। और यहाँ से फिर मैं जाऊँगा पहले तो दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, वहाँ तक लेके जाएगी मेरे को वो, और उससे आगे फिर हम ट्रेन वो लेने वाले हैं आगे जयपुर के लिए, ठीक है। तो वो आगे जो ट्रेन है ना वो लेंगे हम 11:30 बजे, ठीक है। ये वाली जो अभी मैं यहाँ से 9:30 बजे लेने वाला हूँ ये लगभग 1 घंटे में पहुँचा देगी मेरे को नई दिल्ली 10:30 बजे तक। उसके बाद फिर आगे लेने वाले हम जयपुर तक, जयपुर तक लूँगा मैं 11:30 बजे ट्रेन है वहाँ से नई दिल्ली से, ठीक है। और वो हमें पहुँचाएगी लगभग सुबह के 8 बजे तक, मैक्सिमम 8:30 बजे तक पहुँचा देगी जयपुर, ठीक है। तो आज सफ़र जो है ना मतलब काफ़ी अच्छा रहने वाला है, वैसे सारा ट्रैवल करना पड़ेगा, सारी रात लग जाएगी सफ़र में जयपुर पहुंचने तक। तो शायद थोड़ा थकान वगैरह भी रह सकता है क्योंकि क्या पता अभी देखते हैं बस ट्रेन में कितनी जो है ना वो भीड़ में मिलेगी क्या पता। वैसे इस ट्रेन में जो है ना अभी जो आने वाली है सोनीपत से नई दिल्ली के लिए जाएगी उसमें भी 3 ही डब्बे हैं जनरल के, और आगे जो है ना शायद उसमें भी 3-4 डब्बे ही हैं जनरल के। तो क्या पता ज़्यादा भीड़ भी हो सकती है, मे बी बैठने के लिए सीट भी ना मिले तो हमें खड़ा होकर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी क्या नाम है, जैसे मैं DRDO के एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊं तो इसमें ना 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसे अपना इंग्लिश हो गया, रीजनिंग है, GK है, मैथ है, ठीक है, ये 4 पोर्शन आने वाले हैं। और टोटल जो पेपर जो रहेगा ना एग्ज़ाम रहेगा वो एग्ज़ाम वैसे तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन रहेगा एग्ज़ाम, और वो रहने वाला है 75 नंबर का, ठीक है, 75 नंबर का रहेगा। और उसमें उसके लिए टाइम दिया गया है, इन्होंने टाइम दिया है 1 घंटा, 1 घंटे में 75 क्वेश्चन। और एक चीज़ और, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो के सारे अटैम्प्ट जो हम कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे एग्ज़ाम कैसा रहेगा, वो तो मैं अटैम्प्ट करने के बाद आपको बताऊंगा अभी मेरा कैसा क्या रहेगा एग्ज़ाम, बाकी मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा जैसा मेरा जो जितनी मेरी तैयारी उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी वेट कर रहा हूँ मैं ट्रेन का, और अभी ट्रेन आने वाली है लगभग 9:30 बजे के आसपास, ठीक है, अभी आधा घंटा और रह रहा है ट्रेन आने में। तो फ्रेंड्स जब तक अभी ट्रेन आती है ना तब तक मैं आपको बैक वाले कैमरे से यहाँ सोनीपत का जो है ना रात का जो स्टेशन का नज़ारा दिखा था थोड़ा सा कैसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं आपको बैक वाले कैमरे से दिखा रहा हूँ एक बार, ओके। देखो मैंने आपको बोला था जैसे मैं आपको मैं दिखाऊंगा, तो रात को देख थोड़ा रात को ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ का सोनीपत जंक्शन का, वो सामने मोटा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सोनीपत जंक्शन, ठीक है। और एक तो देखो एक तो प्लेटफॉर्म ये हो गया ट्रेन यहाँ पे खड़ी, एक तो एक प्लेटफॉर्म उधर हो गया वहाँ पे 3, ठीक है, प्लेटफॉर्म 1 वहाँ पे उधर है, और फिर 2 है, फिर 3 है, 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, मतलब 5 है सॉरी, एक तो बिल्कुल आगे दिख रहा है हमें, एक ये 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मतलब 5 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ का। आ चुकी है अभी थोड़ी देर में बैठने वाले हैं अभी इसमें ट्रेन, देखो ये है सान पंजाब एक्सप्रेस नाम है इसका, ठीक है। देखो अभी पहुँच चुके हैं भारतीय रेल, ठीक है। तो अभी चलो बैठने वाले थोड़ी देर में हम ट्रेन में, देखो बिना ट्रेन हमने ले लिया, देखो सीधी अभी ये सान पंजाब एक्सप्रेस जो ना अभी आई थी पीछे से चल के ऊपर से अम्बाड़ा की तरफ से, और अभी जाएंगे हम पहले नई दिल्ली तक, उसके बाद फिर जयपुर तक, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा नज़ारा आपको दिखाऊँ यहाँ का, ट्रेन के अंदर थोड़ी सी अलग टाइप की लग रही है, जैसे रोल में जो बैठते हैं ना उनसे थोड़ा असर थोड़ी सी अलग लग रही है, ठीक है। चलो तो फिर अभी इसी दाम मैं आपसे नई दिल्ली पहुँचने के बाद मिलता हूँ अभी, ठीक है, तब तक। तो फ्रेंड्स देखो अभी नाम भी पहुँच चुके नई दिल्ली, ठीक है, और अभी एक बार हमें मेट्रो लेनी पड़ेगी बीच में, तो अभी मैं भाग के पहुँच रहा हूँ मेट्रो तक, उसके बाद फिर ओल्ड दिल्ली से है ट्रेन वो क्या नाम है 11:30 बजे जयपुर के लिए, अगर वो निकलेगी ना। देखो यहाँ का जो है ना नई दिल्ली का जंक्शन रेलवे स्टेशन कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो बढ़िया आ जा। तो फ्रेंड्स देखो ना अभी
अभी इन बोला सुबह हो चुकी है, हम पहुंच गए जयपुर और अभी ना लगभग 9 बजने वाले हैं। तो बाप रे शाम को क्या भीड़ थी ट्रेन में, पूछो मत, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भयंकर। पाए रखने की जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हम ट्रेन में हम चढ़े और फिर बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की होके रिंगस जो है नेक्स्ट स्टेशन था मतलब जयपुर में आने के बाद, वहाँ पे ट्रेन खाली हुई और वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त भीड़। अभी यहाँ पहुँच चुके हैं जयपुर और अभी मैं यहाँ से ना फिर मेट्रो लूँगा मतलब आधे रास्ते तक, ठीक है, फिर मेट्रो से आके फिर मैं जाऊँगा बस से, जो मेरा सेंटर है यहाँ पे मतलब जयपुर में, ठीक है। तो चलो फिर अभी देखो, अभी रामा स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ, देखो थोड़ा आपको पीछे दिखाऊँ, जैसे अभी देखो वो उधर उधर लिखा था मेट्रो, अभी मेट्रो आगे चल के है, देखो ये पूरा का पूरा जंक्शन हो गया हमारा जयपुर का, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा है मतलब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी जा रहे हैं मेट्रो के लिए, अभी मेट्रो लेंगे फिर अभी थोड़ा आगे आधे रास्ते तक, उसके बाद फिर मैं बस से जाऊँगा आगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो जयपुर का जंक्शन हमारा बढ़िया। चलो अभी मेट्रो के लिए निकल रहे हैं, देखो रेलवे स्टेशन का वो है, ये के नाम से है जयपुर का मेट्रो स्टेशन। चलो अभी देखो वो देखो सचिन पहुंच गया आगे, और चौकर ले लिया हमने और अभी हम ट्रेन लेने वाले हैं, बड़ी चौपड़ तक जाने वाले हैं अभी मेट्रो से, ठीक है। मेट्रो से सफ़र करूँगा आधे रास्ते में, फिर आगे जाएंगे बस से, तो बड़ा मज़ेदार रहने वाला सफ़र। अभी देखो ये है जयपुर की मेट्रो हमारी, यहाँ पे आएगी अभी ट्रेन, ठीक है। चलो आ चुकी है, अभी देखो अभी आने वाली, जस्ट ये आ गई, बड़ी चौपड़ लिखा हुआ इसके ऊपर, ये आई, ठीक है। चलो अभी ले बैठेंगे मेट्रो में भाई, बढ़िया। चलो तो बिना मेट्रो में बैठ चुका हूँ अभी जयपुर के मेट्रो में, ठीक है। तो सब यहाँ पे फोटो करा ले रहे हैं, ठीक है, वीडियो सारे अलाउड हैं यहाँ पे, इतना मना ही नहीं कर रहे हैं, बाकी दिल्ली मेट्रो में तो अलाउड नहीं है फोटो वगैरह वीडियो वगैरह। चलो बढ़िया, देखो ये चल के आई है इधर से मानसरोवर से चल के आई है और अभी जाने वाली है बड़ी चौपड़ तक। अभी हम यहाँ पे अभी यहाँ से बैठे हैं रेलवे स्टेशन तक, जो रेलवे स्टेशन दिख रहा ना, अभी यहाँ से बैठे हम इसमें, अभी सीधे कैंप आएगा और फिर जाएगी ये बड़ी चौपड़ तक, वहाँ उतरने वाले हैं, ठीक है। मेट्रो से मैं बाहर आया हूँ जस्ट अभी, देखो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं वो हवा महल है, देखो दिख रहा है हवा महल है वो। तो अभी तो टाइम नहीं देखने का मेरे को, सेंटर पहुँचना है, पेपर है ना, तो अभी हवा महल तो नहीं देख सकते पहले, वैसे मैं देख चुका हूँ। चलो अभी अभी बस ले रहे हैं यहाँ से, बस लेंगे और फिर पहुँच रहे हैं सेंटर। फ्रेंड्स आपको जब अभी देख पा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये आमिर का किला है यहाँ पे जयपुर में, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, मतलब देखो ऊपर तक भी पहाड़ के ऊपर कितना बड़ा बनाए रखा है। ये जो गार्डन दिख रहा है, हाँ ये केसरिया गार्डन है, केसरिया गार्डन, इसकी। तो फ्रेंड्स देखो अभी नामे सेंटर के बाहर पहुँच चुका हूँ, देखो पीछे आपको दिख रहा होगा, देखो लिखा हुआ है आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी, ठीक है। तो बोले यहाँ पे ज्वाइन किया आर्य कॉलेज के, मतलब काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, देखो ये जैसे एक साइड हो रही को, ये इधर राइक, ये भी आर्य कॉलेज का, इनका कुछ, मतलब इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज यहाँ पे। तो मेरा जो है ना, मेरा उस वाले में है अभी जो सेंटर है मेरा, तो अभी बस अभी 10 मिनट हुए मेरे को आया हूँ यहाँ पे, तो अभी बस में आया था मैं यहाँ से, वहाँ से मेट्रो के बाद, तो अभी मतलब लग गया आने में लगभग 1 घंटा और। तो चलो काफ़ी बहुत सारे बच्चे आए हुए, देखो दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे लोग आए हुए पेपर देने के लिए काफ़ी संख्या में। तो चलो भाई अभी फिर मैं आपसे मिलूँगा सीधा एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आपको मैं बताऊँगा अभी एग्ज़ाम कैसा रहेगा, ठीक है। तब तक भाई बने रहना वीडियो के एंड तक, चलो अभी आपसे फिर मैं सीधा मिलूँगा एग्ज़ाम देने के बाद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखो अभी पेपर ख़त्म होने के बाद ना मैं पहुंच गया हूँ जयपुर जंक्शन वापस, पेपर तो लगभग ना 1:30 बजे ख़त्म हो गया था, ठीक है, और उसके बाद अब वापस स्टेशन लगाने पर 1 घंटा और लग गया, तो लगभग मैं 2:30 बजे पहुंचा था यहाँ पे जो जयपुर का जो जंक्शन है, ठीक है। और अभी मैं ट्रेन मैंने ले ली है सीधा उड़ी दिल्ली के लिए, उससे आगे फिर 100 रुपये किलो अलग से लेनी पड़ेगी, तो ठीक है अभी फिलहाल मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, ठीक है, ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, नीचे इधर जैसे, ठीक है। तो अभी ट्रेन चलने वाली थोड़ी देर में जस्ट, तो पेपर कैसा रहा ना वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी आपको जो एक्सीडेंट से सुनाई नहीं देगा यहाँ पे, सोच रहा था थोड़ा है ना, तो मैं वहाँ पे आगे पहुँचने के बाद बताऊँगा आपको पेपर कैसा रहा मेरा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो अभी ना 12 बजने वाले हैं, रात के 12 बज चुके हैं और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ वापस सोनीपत, ठीक है। तो जो सफ़र जो यहाँ बहुत ज़्यादा थकान भरा रहा, बहुत ज़्यादा थकान भरा, अभी ट्रेन में खड़े आया हूँ मैं भी, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। चलो अब बस रूम तक जाएंगे, बाकी रास्ता है रूम तक, अभी फटाफट यहाँ से रिक्शा मिल जाएगी, रिक्शा लेकर रूम तक पहुँचता हूँ जल्दी से और फिर जाते ही सोऊंगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कल रात को निकले, कल निकले थे यार, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया। चलो अभी रूम पहुँचते हैं फटाफट। तो फ्रेंड देखो अभी ना फाइनली मैं वापस पहुँच चुका हूँ रूम, अब 12:30 हो चुके हैं रात के और मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, ठीक है।
तो अभी बस पढ़ते नहीं देंगे मेरे को। तो मैंने आपको पेपर के बारे में नहीं बताया, पेपर कैसा रहा? पेपर बिल्कुल आसान आया हुआ था, बिल्कुल सच में भी बहुत आसान पेपर था। एक घंटे में 75 क्वेश्चन थे, रीजनिंग भी बिल्कुल बच्चों रीजनिंग आई हुई थी। मैथ थोड़ा टफ था, मैथ के क्वेश्चन मेरे 4-5 नहीं हुए, बाकी मैथ के भी काफ़ी कर दिए, और जिक के भी लगभग ठीक थी, और इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी, इंग्लिश में भी कोई काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएंगे शायद। तो मैं भी 75 में देखो मेरे 60 नंबर तक मेरे बनने चाहिए, 60 शायद आ जाने चाहिए, बाकी उधर देखेंगे सर की वगैरह जब आएगी तब कितने बन पाएंगे, बाकी मेरा अंदाजा इतना मेरे 60 तक बन जाएंगे, ठीक है। तो पेपर बिल्कुल आसान था, ज़्यादा मुश्किल था पेपर। तो फ्रेंड्स आज का जो सफ़र था ना, मतलब कल शाम को शुरू हुआ था, और बहुत ज़्यादा थकाने वाला, क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़, पूछो मत, इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, ठुक्कम ठुक्का, ओ गॉड, बड़ी मुश्किल से सफ़र कराया भाई, भागम भाग, सच में बहुत ज़्यादा थक गया मैं तो। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आप में से भी कोई अगर DRDO का एग्ज़ाम दे के आया हो, अपने आप अभी अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो चलो फ्रेंड्स, फिर आज के ब्लॉग की मैं कर रहा हूँ एंडिंग, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लेट नाइट लेट हो गया है, ठीक है। तो चलो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इवेंट के साथ, तब तक के लिए भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।